नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 25 नवंबर 2020 के बारे में। 25 नवंबर 2020 बुधवार का दिन आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेशन आती है 25 नवंबर 2020 की, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के जरिए, फिर बात करेंगे एनर्जी अपडेट की, फिर बात करेंगे यहाँ पर आपका दिन कैसा जाएगा, और उसके बाद में बताऊंगा अचूक उपाय जिसको करने से आप अपने दिन को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। आइए जानते हैं 25 नवंबर 2020 बुधवार का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, पहला कैलकुलेशन जो निकल के आता है 25 नवंबर, 5 और 2 7 नंबर। 25 नवंबर 2020 पूरा अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो क्या नंबर निकल के आता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 और 1, 4 नंबर। तो पहला आ गया 7, दूसरा आ गया 4 नंबर। 7 नंबर आपका केतु का नंबर, 4 नंबर आपका राहु का नंबर, दिन आपका बुधवार का दिन, बुधवार बुध देव गुरु बुध इस संवत के राजा, और बुध अभी कहां पर बैठे हुए हैं तो बुध यहां पर बैठे हुए तुला राशि में शुक्र के साथ। क्या संयोग बना है, देखिए दिन की एनर्जी के कैलकुलेशन का क्या शानदार संयोग यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर अगर हम देखें तो आप सभी के लिए जो दिन जाने वाला है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। जी हां, आकस्मिक लाभ का ये दिन रहेगा आपका। वेडनेसडे का जो दिन रहेगा वो सडन प्रॉफिट सडन गेन का दिन रह सकता है। आप देखिए, जहां पर सडन प्रॉफिट और सडन गेन है वहीं पर सडन लॉस भी हो सकता है। जी हां, क्योंकि राहु और केतु जब इस तरह से आ जाते हैं तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में चलते हैं। जब राहु और केतु की इस तरह से कैलकुलेशन बनती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में चलती है, और वहां पर जो भी चीज होती है उसके सडन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीजें निकल के आ सकती हैं। उसमें बुधवार के दिन का जो तड़का यहां पर लगा है उसने चीजों को बैलेंस किया है और चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में जरूर लेके गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर बुधवार का जो दिन रहेगा वो आप सभी के लिए शानदार जाने वाला है। ज्यादातर चांसेस यही है कि आप सभी के लिए दिन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। कुछ अच्छी ग्रोथ, कुछ अच्छी चीजें आपके साथ हो सकती है। अगर कोई बहुत समय से बीमार है तो ये वो दिन है जहां पर आप स्वस्थ महसूस करेंगे, ये वो दिन है जहां पर रिकवरी अच्छे से होगी, ये वो दिन है 25 नवंबर 2020 का जहां पर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं जॉब लग सकती है, या अगर कोई इंटरव्यू देने वाले हैं तो वो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जा सकता है। अगर किसी से बातचीत नहीं हो रही है तो ये वो दिन है जहां पर आपका बातचीत हो सकती है, जहां पर कुछ नई चीजें आप कर सकते हैं, यहां पर कुछ अच्छी चीजें करने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो यहां पर अगर देखें हम तो 25 नवंबर 2020 का जो दिन है वो आप सभी के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट लाने वाला है। अब ध्यान आपको कहां कहां रखना है, अपने माइंड को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। जितना आराम से जितना रिलैक्स होकर आप काम करेंगे उतना आप सभी को फायदा मिलेगा, जितना जल्दबाजी में और हड़बड़ाहटी में काम करेंगे उतना आपको नुकसान मिल सकता है। कोशिश करिएगा कि आपको रिलैक्स होकर काम करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी काम को करने का प्रयास करें तो कोशिश करें कि उसे अकेला करने का प्रयास करें, ग्रुप में या झुंड में काम मत करिएगा, नहीं तो वहां पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। काम आप करेंगे क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ऐसे संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ आपको और क्या करना है, यहां पर एक चीज का और महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके अपने काम पर फोकस करें, एक शेड्यूल बना के काम करें और उस काम को पूरा करने का प्रयास करिएगा, आपका समय अच्छा जाएगा और आपका काम भी बहुत शानदार होगा। देश और विदेश के लिए अगर हम बात करें तो देश और विदेश के लिए बहुत अच्छा दिन कहीं ना कहीं नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, देश और विदेश के लिए 25 नवंबर 2020 का जो दिन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्याएं लेके आ सकता है। कुछ गतिविधियां नेगेटिव हो सकती हैं, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं या फिर कोई बड़ी खराब स्थिति यहाँ पर कहीं पर भी पैदा हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ नेगेटिव न्यूज बाहर आ सकती है, ऐसे भी चांसेस दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस समय देश और विदेश में सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता भी यहां पर दिखाई देती है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें राशि के अनुसार किस राशि के लिए दिन शानदार जाता है, देखिए 25 नवंबर 2020 का जो दिन रहेगा ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कन्या राशि के लिए एक तरह से अच्छा दिन है। कन्या राशि, धनु राशि और साथ ही साथ आपकी आती है चौथी तीसरी राशि कर्क राशि। कन्या राशि, धनु राशि और कर्क राशि के लिए दिन जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, बाकी की राशियों के लिए भी दिन अच्छा है पर इन तीन राशियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें नंबर्स की यहां पर तो नंबर्स में आप देखिएगा नंबर दो के लिए दिन शानदार जाने वाला है, नंबर दो के लिए, नंबर पांच के लिए और नंबर सात के लिए, इन तीन नंबर्स के लिए दिन जो है वो थोड़ा सा अच्छा जाएगा, बाकी के लिए भी दिन अच्छा है पर थोड़ा सा कम अच्छा है। अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें यहां पर तो अल्फाबेट्स में सबसे पहले आ जाता है यहां पर अल्फाबेट्स आपका एच, जी हाँ एच फॉर हॉर्स, एच नंबर, एच अल्फाबेट आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। एच के बाद दूसरा अल्फाबेट जो निकल के आता है वो आता है एन, एन फॉर न्यू, न्यूयॉर्क, एन, एच हो गया, एन हो गया और तीसरा नंबर जो आता है आपका वो आता है डी, डी फॉर दिल्ली, तो डी के लिए भी ये समय काफी ज्यादा अच्छा है। तो इन तीन नंबर्स के लिए, इन तीन अल्फाबेट्स के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा है। आइए अब बात करते हैं यहां पर कि क्या अचूक उपाय आपको करना है जिससे कि दिन आपका और भी ज्यादा शानदार जाए और आप अपने दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। उससे पहले अगर आपने अब तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्योतिष एंड वास्तु ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे अच्छे चीजें, अच्छी बातें, अच्छे जो भी मैं चीजें अपडेट करता हूँ, जो भी यहाँ पर छूट जाती है या कुछ बताना रह जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपनी तरफ से आपको शेयर कर पाऊं तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम अपडेट आप रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं जो भी उपाय आप सभी को बताता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होते हैं, उनका किसी भी तरह से किसी भी चीज से कोई संबंधित नहीं है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी को कोई मैं फॉलो नहीं करता हूँ, किसी भी तरह से तंत्र टोटकों को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, पूरी तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित काम करता हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित उपाय ही आप सभी को बताता हूँ, तो उपाय आप आराम से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुधवार के दिन 25 नवंबर 2020 के दिन आपको क्या उपाय करना है, बहुत सिंपल सा उपाय आपको करना है। जी हाँ, क्या करना है, आपको गाय को हरा चारा खिलाना है, गाय को रोटी खिलानी है या फिर गाय को हरी सब्जी अगर आप खिला दें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर किसी के वहां पर गाय नहीं है तो वो पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, बट जो लोग गाय को खिला पाए वो गाय को ही खिलाइएगा। दूसरा आपको क्या करना है, बुधवार के दिन स्पेशली आपको अगर हो पाए आप यूज कर पाए तो क्रीम कलर या येलो कलर को इस्तेमाल जरूर करिएगा, कपड़ों में अगर आप क्रीम कलर और येलो कलर अगर आप इस्तेमाल कर पाए तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। केसर अगर आपके घर पर है तो केसर का टीका अपने माथे पर जरूर लगाइएगा, इससे भी आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा डार्क और बहुत ज्यादा भड़कीले कपड़े मत पहनिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सिंपल और सोबर कपड़े पहनिएगा, आपको ज्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अगर गणेश जी की पूजा आप कर पाए, गणेश जी की आराधना अगर आप कर पाए तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आप कर दीजिएगा और गणेश जी के मंदिर में एक घी का दिया जरूर जला दीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका दिन बहुत ही ज्यादा शानदार जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।